अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये मैं नाश्ता कर रही थी, स्लाइस और ऑमलेट मैंने बना लिया था और साथ मैं दूध बॉईल कर रही थी। आज मैं चाय जो है वो तसल्ली से बनाने का सोच रही थी मैंने, क्योंकि अगर चाय अपने नाश्ते के साथ बनानी होती है तो बस जितनी देर में मेरा नाश्ता रेडी होता है उतनी ही देर में मैं बस चाय को थोड़ा बहुत पका कर पी लेती हूँ। लेकिन आज मैं सोच रही थी कि तसल्ली से बनाती हूँ, कड़ी हुई जो चाय होती है ना वो बनाती हूँ। तो फिर मैंने कहा पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से जो है अपनी चाय बना लूँगी। और बस नाश्ता मैंने कर लिया था, उसके बाद मैं किचन में आई हूँ, साथ में अपनी चाय बनने के लिए रखी है। और YouTube पर मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें जो किचन के रुमाल होते हैं, जो कपड़े होते हैं, जो रोटियों वाला रुमाल होता है या जिसमें पराठे वगैरह रखते हैं हॉट पॉट के अंदर रखकर, उसमें चिकनाई वगैरह आ जाती है, तो उसको साफ़ करने का तरीका मैंने एक यूट्यूब की वीडियो में देखा था। तो मैंने कहा चलो मैं उस तरीके से ना आज साफ़ करके देखती हूँ, क्योंकि आप इस तरह के रुमाल को जब आप सर्फ लगाते हैं या साबुन लगा कर वॉश करते हैं तो चिकनाई जो है वो उतरती भी नहीं है और बहुत ज़्यादा जो है आपको मलना भी पड़ता है। तो ये वाकई बहुत इफ़ेक्टिव था। गर्म पानी लिया, उसमें मैंने सर्फ डाला और फिर ये रुमाल डाल के थोड़ा सा चूल्हा जला रहने दिया, तो अच्छे तरीके से चिकनाई उतर गई थी। उसके बाद जी ये हम लोग बना रहे थे कोफ्ते, जो कि मेरी मदर ही बना रही थी और मैं बस थोड़ा थोड़ा जो है कोशिश कर रही थी कि शेप दे दूँ इसको, लेकिन मेरी एज सच कोई सही शेप बनी नहीं। बल्कि अभी मैं यहाँ पर रखूँगी भी तो आप देखिएगा मुझसे सही शेप नहीं बनी थी, लेकिन मेरी मामा की जो बॉल्स हैं ये कोफ्ते की वो बहुत अच्छी बनी थी। और ये देख लें कितनी प्यारी इनकी शेप है। तो बस इनको रेडी करके अब हम लोग इसको फ्रीज़ कर देंगे, उसके बाद जो है इसको निकाल कर आप शॉपर में डाल दें और फिर फ्रीज़र में रख दें, तो जैसे ही कभी कोई गेस्ट वगैरह आता है तो आप निकाल के कोफ्ते बना सकते हैं आराम से। अच्छा, उसके बाद जी नाश्ता वगैरह तो हो गया था, सारे काम वगैरह भी कर लिए थे, तो बस हमारे घर एक गेस्ट ने आना था, उनके लिए जो है अब ये तैयारी चल रही थी। जो भी चीज़ें सर्व करनी थी उनको हम रेडी कर रहे थे। शामी कबाब पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मसाला वगैरह हमने रेडी कर दिया था, तो बस इनको शेप देकर फ्रीज़ किया था, तो अब बस वो निकाले थे। और शामी कबाब जो हैं सारे जो घर में हमारे खाने होते हैं, एक बंदा भी बनाता है सबके लिए बनते हैं, तो बस ये सबके लिए शामी कबाब मैं फ्राई कर रही थी और साथ साथ जो है किचन को मैं समेट भी रही थी, बर्तन वगैरह जो वॉश करने वाले थे साथ ही मैं सिंक में उठा के डाल रही थी ताकि बाद मेरा आराम से किचन को क्लीन कर लूँ। अच्छा, उसके अलावा हम लोगों ने ये दही भले मंगवाए थे और कुछ आइटम्स जो थी वो गोरमे से मंगवा ली थी। घर पे बस हम लोगों ने शामी कबाब बनाए थे और स्पेगेटीज़ बनाई थी, वो भी पहले बना कर रख ली थी क्योंकि हमें पता था कि गेस्ट ने आना है। और ये जो गोरमे का पिज्ज़ा था ना ये बहुत ही मज़े का था, बहुत ही मज़े का। मैंने इनका पहले भी ट्राई किया लेकिन ये वाला जो फ्लेवर था वो नहीं किया था, तो ये बहुत मज़े का था। इसमें चिकन के चंक्स थे, उसके अलावा सीख कबाब के ना चंक्स थे और ये बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी टॉपिंग हुई भी थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ आपको डो ही मिले, वैसे यूजली बेकरीज़ के जो पिज्ज़ाज होते हैं उनमें डो ही होती है, लेकिन जो लाइव पिज्ज़ा है गोरमे का अगर आपने ट्राई नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और प्राइस के हिसाब से जो है ना ये बहुत ही अच्छा है। मतलब कि आपको फील नहीं होता कि आप कोई बेकरी का पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप जो है किसी पिज़्ज़ा पॉइंट पर ही हैं और वहाँ से ही खा रहे हैं। तो ये जो है इसको मैं साथ साथ कट कर रही थी स्लाइसेस को, तो कि आराम से जो है अगर किसी ने लेना है तो वो ले ले। और अब यहाँ पर जी मैं दही भल्ले निकाल रही थी। ये दही भल्ले हमारे घर के पास से एक जगह है वहाँ से मिलते हैं, शहनशाही। इनके दही भल्ले बहुत ही मज़े के हैं और ये जो है पहले मुझे आइडिया नहीं हुआ, मैंने एक बड़े बाउल में इसको ट्रांसफ़र किया, फिर मैंने इसको जब साइज़ के हिसाब से उसको फिर जो है जितनी क्वान्टिटी थी उस हिसाब से फिर मैंने उसे छोटे बाउल में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया था। और ये जो पापड़ी होती है ना ये मेरी फेवरेट है दही भल्लों में, मैं इसको जब गार्निश कर रही होती हूँ ना उस टाइम ही बहुत ज़्यादा उठा उठा के खा लेती हूँ, तो मुझे बहुत मज़े की लगती है। इनकी मीठी चटनी भी बहुत अच्छी है, मैंने अब तक इससे अच्छे दही भल्ले कहीं भी नहीं खाए। बहुत फेमस जगहों के भी मैंने ट्राई किए लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगे। अच्छा, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि स्पेगेटी हम लोगों ने बना ली थी, तो ये हमने पहले से बना कर रखी हुई थी। लाइक हमें जब पता चला कि गेस्ट ने आना है तो हमने उस टाइम ही रेडी कर ली थी ताकि जब वो आएँ तो किचन का काम जो है वो कम ही हो, बस कबाब फ्राई करने हो, बाकी जो बेकरी की आइटम है वो तो आपने बस डिश आउट ही करनी है। तो बस यहाँ पर ये स्पेगेटी बहुत ही मज़े की बनी थी और इसमें चिकन वगैरह हमने ऐड किया था, वेजिटेबल्स की थी और ये साथ साथ जो है मैं भी एक दो जो टेस्ट कर रही थी साथ निकाल के, तो बहुत मज़े की थी। अच्छा जी, उसके बाद ये इमली की या आलू बुखारे की जो दही भल्लों के साथ चटनी होती है वो मैंने निकाली। बस इसी तरह से जो है पूरा दिन गुजर जाता है। गेस्ट जो थे हमारे अचानक ही आ गए थे, अचानक इस तरह से कि बस हमें घंटा डेढ़ घंटा पहले ही पता चला था उनके आने से, तो बस हमने फटाफट से सारी चीज़ें कर ली थी, स्पेगेटी बना ली थी और बाकी जो हम लोगों ने मंगाना था, तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें हम लोगों ने डिश आउट कर दी थी। अब इनको सर्व कर देंगे और उसके बाद मेरे पास इतना कोई टाइम नहीं था,
ब्लॉग वगैरह करने का, तो यहाँ पर मैं अपनी बहनों को जो है वो डिश आउट करके दे रही थी कि बस ये जाकर सर्व कर दें, टेबल पर रख दें। तो बाकी जो जो काम था मेरा मैंने वो कर दिया था, और अब जाके मैं थोड़ी देर गेस्ट के पास बैठना था, तो बस ये किया मैंने। और इसके अलावा हाँ, ये मैंगो डिलाइट भी मैंने बनाई थी, ये मैंने एक रात पहले ही बना ली थी, और ये भी रेसिपी मेरे चैनल पर ही है। बहुत इंस्टेंट सी ये रेडी हो जाती है। अगर आप लोगों को मतलब पसंद है मैंगोज़ और मीठा तो लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद मैंने गेस्ट को थोड़ा सा टाइम दिया और फिर हमें बाहर डॉक्टर के पास जाना था, तो फिर वापसी पर ये मैंने कुछ थोड़ा सा क्लिप लिया था। हम लोग वापस घर की तरफ आ रहे थे तो मैंने ये बनू बीफ पुलाव देखा, तो चुपुर्जी पर है ये, मुझे बहुत ही इनका पुलाव पसंद है, इनका बीफ पुलाव है। मैंने कभी भी बाहर से ना बिरयानी, चिकन बिरयानी ही ली है, उसके अलावा कभी राइस जो है मटन या बीफ के नहीं खाए बाहर से स्पेशली, तो यहाँ से मैं खा लेती हूँ बीफ पुलाव। इनका बहुत ही मज़े का है, बहुत ही मज़े का। अब तो खैर इनकी काफ़ी कॉपीज़ भी आ गई हैं मतलब, लेकिन उनका टेस्ट इस तरह का नहीं है। खैर जब ऑर्डर दे दिया था उस टाइम पर ना, कोई पॉपकॉर्न वाले जो भाई थे वो गुजरे, तो मैंने फटाफट से ना उनसे पॉपकॉर्न लेके वो भी खाना शुरू कर दिए। अच्छा, हम लोगों ने ये आई गेस आधा किलो मंगाया था पुलाव, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। मैं बस एक या दो मील लेती हूँ, मोस्टली मैं एक ले लेती हूँ या दो ले लेती हूँ, तो बस मैं क्वांटिटी जो है मैं कम ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पर एक प्लेट हम लोगों ने मंगवाई थी और फिर मैंने और मेरी मदर ने खा ली थी, क्योंकि एज सच मुझे भूख नहीं थी, मैंने पॉपकॉर्न्स भी खा लिए थे। तो यहाँ पर मैं सैलेड निकाली थी, इनका सैलेड इतना फ्रेश और ठंडा ठंडा था। प्याज जो है इनके, मुझे प्याज बहुत अच्छे लगते हैं, जिस तरह प्याज क्रिस्पी से हुए होते हैं ना, और प्याज में वो तुर्श नहीं होते जिस तरह से प्याज होते हैं, तो ये मुझे इनके बहुत मज़े के लगते हैं। यहाँ पर ये मेरी पुलाव की बाइट है। अच्छा, ये इनके पुलाव बहुत सॉफ्ट सी होती है, जो मटन होता है सॉरी बीफ होता है वो बड़ा सॉफ्ट सा होता है, और जब आप इसकी बाइट लेते हैं ना, फर्स्ट बाइट ही आप लेते हैं, तो ये आपके मुंह में जाके ऐसे फ्लेवर आता है, इतना मज़े का लगता है, मतलब कि बहुत ही मज़े का, हेवन, बहुत ही अच्छा। तो अगर आप लोग लाहौर में रहते हैं, मुझे नहीं पता बाकी सिटीज़ में ये है कि नहीं, और लाहौर में भी अगर आप जो बुर्जी वाली साइड पर आते हैं, तो यहाँ पर ये बनू बीफ पुलाव है, इस्लामिक शहद सेंटर जो है उसके बिल्कुल साथ, यहाँ से लाजमी आप लोग पुलाव जो है वो ट्राई कीजिएगा। शक्ल पर ना जाइएगा, वैसे तो पुलाव की शक्ल ऐसी होती है, लेकिन ये बहुत बहुत ज़ायकेदार होती है। इनकी रेसिपी अगर मिल जाए ना तो ज़िंदगी सुहानी हो जाए, बहुत ही मज़े की होती है। अच्छा खैर, ये बिल्कुल फाइनल जो है आखिरी बाइट्स चल रही थी, तो मैंने कहा चलो इनको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, सब तो ख़त्म हो गया था, सैलेड, रायता और उसके अलावा जो है राइस रह गए थे, तो मैं बस उनको साफ़ उनका नामो निशान मिटा रही थी इस दुनिया से। अच्छा जी, बस खा पी के अब हम लोग घर को जा रहे हैं, और बस मैं साथ साथ जो है कैमरा बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बन रही थी, और मोबाइल पकड़ के कैमरे से रिकॉर्ड करती हुई मैंने जो है वो गाड़ी चलाई थी। अच्छा, घर में आ गई, और घर आने के बाद जो है मैंने आज मेकअप वगैरह किया हुआ था, तो मुझे था थोड़ी सी स्किन केयर कर लूँ, तो आज मैं थोड़ा डिफरेंट मास्क ट्राई कर रही थी। आप लोग भी देख लें, अगर आप लोग भी एक ही मास्क यूज़ करते हैं तो उसमें डिफरेंट जो है इंग्रेडिएंट्स ऐड कर करके देखें, तो आपको बहुत इफेक्टिव जो है वो रहेगा आपके लिए। तो बेसन में मैंने डाला है टोमेटो पेस्ट, उसके अलावा एग वाइट मैं ऐड कर रही हूँ। ये मास्क बहुत अच्छा बना था, बहुत ही अच्छा। एग वाइट जो है पोर्स के लिए क्लोज करने के लिए उनको बहुत अच्छी है, जो टमाटर है ग्लो के लिए बहुत अच्छा है, उसके अलावा बेसन तो इट्सेल्फ बहुत ही स्किन के लिए अच्छा होता है। फिर मैंने इसमें ऐड किए थी हल्दी और दूध डाल दिया था। अगर आपके पास दूध नहीं है, आप दही भी डाल सकते हैं, या दूध और दही दोनों डाल लें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, या फिर रोज़ वाटर ऐड कर लें। इन शॉर्ट, आप बस मास्क जो है फेस पर डेली बेसिस पर अगर आप मेकअप करते हैं तो मेकअप रिमूव करने के बाद अप्लाई लाजमी करें, और अगर मेकअप नहीं भी करते तो स्किन केयर लाजमी करनी चाहिए, अपने पोर्स को क्लीन रखना चाहिए। तो बस ये मैं मास्क अप्लाई करूँगी, उसके बाद जब ये ड्राई होगा उसके बाद नमाज़ पढ़ूंगी, और बस फिर सोने के लिए लेट जाऊँगी या थोड़ी बहुत स्क्रॉलिंग वगैरह कर लूँगी, इधर उधर डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर मैं घूमूंगी। आज की कुछ रूटीन मेरी इस तरह से थी। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।